निगरान हुकूमत ने महंगाई और बिजली के बिलों से सताई आवाम पर दूसरा पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में 14.91 रुपए का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस करने के बाद 305 रुपए हो गई। हाई स्पीड डीजल 18.44 रुपए महंगा होने के बाद नई कीमत 311.83 रुपए हो गई। बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा समेत कई शहरों में तादरों ने दुकानों और बाजारों को ताले लगा दिए। कई शहरों में आवाम ने एहतजाज किया और बिजली कंपनियों के खिलाफ नारे लगाए। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ आल पाकिस्तान अंजुमन कारकुनान की मुल्कगीर शट डाउन हड़ताल और इसके अलावा तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे। वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकर ने कहा कि बिजली के बिल्स का मामला IMF के साथ मिलकर देख रहे हैं। बिल तो देना होगा, जो मुआहदे हुए वो हर सूरत पूरे करेंगे। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि IMF को बिजली के बिल्स के मामले में तजावीज दे दी गई हैं। खुद कुछ नहीं कहूँगा कि क्या कर रहे हैं। महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। 30 घंटों में बिजली बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा कि FPR को मिली मालूमात बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकती। नैब तरमीम के बाद बैनुल अक़वामी कानून मदद के जरिए मिलने वाले शवाहिद काबिले कबूल नहीं रहे। बाहमी कानूनी तआवुन के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत खत्म कर दी गई है। अब नैब को खुद वहाँ सर्विसेज देना होगी जो महंगी पड़ेंगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नैब तरमीम से फ़ायदा हासिल करने वाले मुलजमान से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। नैब तरमीम से रवासाल फ़ायदा उठाने वालों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई हैं। तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद तकानवासी भी शामिल हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने मरकजी सदर PTI को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने दौरान समाअत चौधरी परवेज़ इलाही को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म दिया, जिस पर नैब ने उन्हें अदालत के रूबरू पेश कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जाने और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।